हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इस चैप्टर में बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने जितने भी पिछले लेक्चर्स किए हैं उसमें हमने चारों किंगडम पढ़ लिए हैं, और एनिमल किंगडम में हम अभी नॉन कॉर्डेट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, शुरुआती फाइलम्स हमने कौन कौन से कवर किए, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथीस, एस्केलमिंथीस या निमेथेलमिंथीस या नेमाटोड्स, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, यहाँ तक। अब आगे दो और नॉन कॉर्डेट्स के फाइलम हमारे पास बचते हैं, और वो कौन कौन से हैं, तो एक फाइलम है मॉलस्का और एक है इकाइनोडर्मेटा। तो हम इन दोनों को पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम जंप करेंगे कॉर्डेट्स की पढ़ाई में। ठीक है, तो जो पहला फाइलम है आज के लेक्चर का वो है मोलस्का। ठीक है, मोलस्का ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं। क्या होते हैं, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। इनका बॉडी जो होता है बहुत सॉफ्ट स्लिपरी होता है। ठीक है, स्टिकी बॉडी होता है इनका। बॉडी डिवाइडेड होता है हेड, विसरल मास और फुट में। जैसे कि इसका एक टिपिकल एग्जांपल है स्नेल। अगर आप स्नेल को देखेंगे तो उसका ये तो स्टॉक हो गया आई का, मान लीजिए ये इसका आई का स्टॉक है। ठीक है, ये इसका विसरल मास और ये इसका फुट, ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे ये तो इसका हेड होगा, ये हेड पोर्शन जिस पे स्टॉक प्रेजेंट है, उस स्टॉक के ऊपर आई प्रेजेंट है। ये इसका विसरल मास है जिसके अंदर इसके पूरे इंपॉर्टेंट विसरल ऑर्गन्स हैं, और ये जो है वो फुट है। ठीक है, ये जैसे प्रोजेक्शन दिख रहा है ये फुट है। तो है तीन पार्ट होते हैं, विसरल मास, हेड, विसरल मास और फुट, ये तीन पार्ट इसके बॉडी में प्रेजेंट है। इसके फेमस एग्जांपल्स एक तो स्नेल्स हो गए। ठीक है, और क्या हो गए, ऑक्टोपस मैंने बताया था। इसके ग्रुप होता है इनमें एक सिफेलोपोड्स, इसके अंदर एक ग्रुप है, मोलस्का के अंदर ही एक सब ग्रुप है। सिफेलोपोड्स का मतलब उस दिन मैंने बताया था जिनके आर्म्स या जिनके क्या अपेंडेजेस कहां से निकले, हेड से निकले, जैसे ऑक्टोपस का निकलता है सिफेलोपोड। पूरे मोलस्का में सर्कुलेशन कैसा है, ओपन सर्कुलेशन है, लेकिन सिफेलोपोड्स में कैसा सर्कुलेशन है, क्लोज्ड सर्कुलेशन। ठीक है, क्लोज्ड सर्कुलेशन है। और ये सबसे ज्यादा एडवांस्ड इनवर्टिब्रेट है, किस मामले में, नर्वस टिश्यू के मामले में। ब्रेन कैपेसिटी इनका सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है सिफेलोपोड मोलस्क की, जिसमें ऑक्टोपस एक एग्जांपल है। तो ये तो इनका एग्जांपल्स और इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। अब इनका जो बेसिक क्लासिफिकेशन, बेसिक कैरेक्टर के हिसाब से जो हम फाइलम हर फाइलम का कर रहे हैं उसके हिसाब से भी इनको पढ़ लेते हैं। तो उसके हिसाब से क्या है कि सबसे पहला हो जाएगा कैरेक्टर कौन सा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, सिमेट्री, इनमें सिमेट्री बाइलेटरल, ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ठीक है, एक इसमें एग्जांपल है एप्पल स्नेल का, कुछ संघ टाइप का दिखने वाला एप्पल स्नेल। ठीक है, ये ऐसे एप्पल स्नेल एक होता है इसमें, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइला। इसमें टॉर्जन होता है, जैसे जब ये छोटा होता है लार्वल स्टेज में तो बॉडी बायलेटरल सिमेट्री होती है, पर जब ये एडल्ट में कन्वर्ट होता है तब क्या होता है, बॉडी में ट्विस्टिंग आ जाती है। तो ट्विस्टिंग के कारण ये क्या हो जाता है, एसिमेट्रिकल। ठीक है, तो हमने ये भी देख लिया सिमेट्री कैसी है, बायलेटरल सिमेट्री है। अब अगला जो कैरेक्टर है वो आता है जर्मिनल लेयर का। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है। ठीक है, अगर बॉडी प्लान देखें तो ट्यूब विद इन ट्यूब है। ट्यूब बॉडी प्लान है, नॉन कॉर्डेट्स हैं और सेगमेंटेड बॉडी है। बॉडी में क्या प्रेजेंट है, सेगमेंटेशन।
ठीक है ये। और एक बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट, पर्ल मोती की, ये इन्हीं से मिलता है। मॉलस्क के मेंबर होते हैं ऑयस्टर्स, इनके अंदर बनता है ये। होता क्या है बेसिकली, पर्ल कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन हमारे दिमाग में आएगा कि ये जो चौक है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है, लेकिन जो पर्ल है वो क्या है, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है, पर ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत यूनिक होता है, ठीक है। तो ऐसा क्या है, है दोनों में एक ही मटेरियल, पर ये जो CaCO3 है वो प्योरेस्ट फॉर्म है CaCO3 का। पर्ल क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म है CaCO3 का, CaCO3 का, सॉरी CaCO3 का प्योरेस्ट फॉर्म है पर्ल मोती। और ये ऑयस्टर्स ही बनाते हैं, कौन, मोलस्क होते हैं, ठीक है। ये बात हो गया, और हमने इसके पूरे बेसिक क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिए, इसके एग्जांपल्स भी देख लिए। ऑयस्टर्स हो गए, पाइला हो गया, एप्पन स्नेल, स्लग्स हो गए, और ऑक्टोपस हो गया, ठीक है। तो ये फाइलम हमने कंप्लीट कर लिया, अगला फाइलम देखते हैं। तो अगला फाइलम अगर हम जब देखेंगे तो अगला फाइलम हमारा क्या आता है, अगला फाइलम आता है इकाइनोडर्मेटा। जो इकाइनोडर्मेटा है उसके हम क्लासिफिकेशन उसके बारे में देख लेते हैं। इकाइनोडर्मेटा, तो जो इकाइनोडर्मेटा है, नाम ही बता रहा है, इकाइनो मतलब स्पाइनी या स्पाइन्स, ठीक है, और डर्मेटा मतलब स्किन। डर्मेटा मतलब क्या, स्किन। तो ऐसे एनिमल जिनका स्किन स्पाइनी हो, ठीक है, इनमें स्किन टाइप का कुछ होता नहीं है, पर जो आउटर लेयर है बॉडी की, ठीक है, वो स्पाइनी होती है, ठीक है। इनमें एक जरूरी बात है कि लार्वा में क्या होता है, कौन सा सिमेट्री, बाइलेटरल, बाइलेटरल सिमेट्री लार्वा में तो होती है, पर एडल्ट में आते आते ये पेंटामरसली रेडियल हो जाते हैं। पेंटामरसली रेडियल सिमेट्री हो जाता है एडल्ट में, किसमें, एडल्ट में, ठीक है। लेकिन जब ये छोटे रहते हैं लार्वा स्टेज में, तब बाइलेटरल सिमेट्री रहता है। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। इनके बॉडी जैसे एक मैं स्टारफिश बनाता हूं, ठीक है, ये एक स्टारफिश हो गई मान लीजिए, तो इसके यहां जो है ना स्पाइन्स टाइप के पूरे बॉडी में, इसके ऑल ओवर बॉडी स्पाइन्स टाइप के प्रोजेक्शंस होंगे, ठीक है। और इनमें एक एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम होता है, एम्ब्यूलेक्रल या वॉटर ट्यूब सिस्टम, इनके बॉडी में ट्यूब फीट होता है, ट्यूब फीट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है जो इनको, और ये जैसे ये आम है बॉडी की, ये आम है ना, तो इसमें ऐसे ट्यूब फीट, लाखों करोड़ों ट्यूब फीट छोटे छोटे ऐसे बने रहेंगे, ठीक है। तो ये ट्यूब फीट वाटर को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट वाटर का कराते हैं, सर्कुलेशन कराते हैं, लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं, कहीं किसी सरफस पर चिपकने में भी हेल्प करते हैं। जैसे आपने ऑक्टोपस के जो टेंटिकल्स होते हैं, जो उसके आर्म्स होते हैं, उसके नीचे कभी फिल्मों में देखा होगा या किसी भी शो में, कि क्या होता है, एक सकर टाइप का ऑर्गन टाइप का होता है जो चपक जाता है, तो वो क्या होता है, वो ट्यूब फीट होता है, जो कि फूड को लेने में भी मदद करता है, लोकोमोशन में भी मदद करता है, और वाटर सर्कुलेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो उसी, और ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम, ठीक है। अब इसके बेसिक क्लासिफिकेशन को हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बाइलेटरल, लेकिन एडल्ट आते आते क्या हो जाते हैं, पेंटामेरसली रेडियल, ठीक है। फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये है ही ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट है ही, कौन से सीलोमेट, साइजोसीलोमेट या एंटेरोसीलोमेट, एंटेरोसीलोमेट, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है, सिलोमेट हो गया, बॉडी इनकी सेगमेंटेड नहीं होती है, ठीक है। और बॉडी प्लान क्या होता है इनका, बॉडी प्लान इनका ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है इनका, ठीक है। तो ये इनके कैरेक्टर, ये नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, मतलब नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, ठीक है। तो इनका ये क्लासिफिकेशन हो गया। एग्जांपल्स में देख लेते हैं हम, स्टारफिश, सी लिली या लिली फिश, सी लिली, ऐसे ही,
जो वाटर लिली होता है वैसा एक स्ट्रक्चर होता है सी लिली, सी ककंबर, सी ककंबर, ये सब इसके एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। तो और जो हमने ये इसके आगे एनसीईआरटी बुक में प्रोटोकॉर्ड डेटा दिया हुआ है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। बेसिकली हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और उसके बारे में एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, उसका एक एग्जांपल है बेलेनोग्लॉसस, बेलेनोग्लॉसस, और उसको प्रोटोकॉर्ड डेटा में दिया हुआ है। प्रोटोकॉर्ड डेटा है कॉर्डेट का पार्ट, प्रोटोकॉर्ड डेटा ये किसका पार्ट है, जो हम कॉर्डेट्स पढ़ेंगे उसका पार्ट है, पर इसमें जो एग्जांपल है बेलेनोग्लॉसस वो एक्चुअली प्रोटोकॉर्डेटा में नहीं है, ठीक है। प्रोटोकॉर्ड और बाकी जो एग्जांपल दिया है हर्ड मेनिया दिया है वो प्रोटोकॉर्डेटा का एग्जांपल है, पर बेलेनोग्लॉसस ये एक और नॉन कॉर्डेट फाइलम है, कौन सा, हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में ये दिया नहीं हुआ है, मैं आपको बता देता हूं कि ये हेमिकॉर्डेटा फाइलम का है एग्जांपल बेलेनोग्लॉसस, जिसे प्रोटोकॉर्डेटा में दे रखा है, पर ये है अलग एक फाइलम हेमिकॉर्डेटा, और किसका फाइलम है, नॉन कॉर्डेट का। इसको हेमिकॉर्डेटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड जैसा एक स्ट्रक्चर होता है बॉडी में, जैसे आप देखेंगे उसका एग्जांपल में एनसीईआरटी में उसका ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, बेलेनोग्लॉसस का। इसके जो यहाँ जो फेरेंक्स होता है यहाँ पे, ठीक है, उसमें बकल डाइवर्टिकुलम होता है, बकल डाइवर्टिकुलम, ठीक है, वो क्या होता है, नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, नोटोकॉर्ड नहीं होता है, नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे स्टोमोकॉर्ड भी कहते हैं, स्टोमोकॉर्ड, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, हेमिकॉर्डेटा। नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर तो है पर नोटोकॉर्ड नहीं है, लेकिन तो नाम पड़ गया हेमिकॉर्डेटा, जिसका एग्जांपल क्या है, बेलेनोग्लॉसस। अब हम इसके भी सब कैरेक्टर्स पढ़ सकते हैं, ठीक है, कैसे, ये कहाँ रहते हैं, सी के बेड पे, सी बेड मतलब सी का जो नीचे सरफेस है, सी का जहां रेत है और भी है, उस रेत के अंदर ये रहते हैं, और बहुत सिंपल बॉडी प्लान होता है, पर नॉन कॉर्डेट में सबसे ज्यादा इवॉल्व है, ठीक है। इसके हम पढ़ सकते हैं जैसे बॉडी प्लान ट्यूब विद इन ट्यूब हो सकता है क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा प्रेजेंट है, सिमेट्री देख सकते हैं तो बाइलेटरल सिमेट्री होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है, ट्रू सिलोमेट होते हैं, सेगमेंटेशन तो एबसेंट होता है, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तो ये सब भी इनके बेसिक कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो इस लेक्चर में अभी तक हमने जितना भी पढ़ा हमने नॉन कॉर्डेट्स एनिमल किंगडम में पढ़ लिया है पूरा, ठीक है। अब जो अगला लेक्चर आएगा उस लेक्चर में हम कॉर्डेट्स शुरू करेंगे, और कॉर्डेट्स में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल फॉर टूडे लेक्चर, थैंक यू।